पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी केंद्र की एजेंसी पर हमले कराती है। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहते हैं। मोदी ने संदेश खाली का भी जिक्र किया और बताया कि ईडी में बंगाल में 300 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंचे, यहां पर वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान टीएमसी पर उन्होंने बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी केंद्र की एजेंसी पर हमला कराती है। बीते दिनों जो घटना हुई थी एनआईए पर हमला जो हुआ था उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली का भी जिक्र किया और बताया कि ईडी ने बंगाल में 300 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें, संदेश खाली में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची थी, ईडी की टीम पर हमला किया गया था और उसके बाद अब हाल ही में एनआईए की टीम पर जिस तरह से हमला किया गया, इसका भी जिक्र। और ये तीन बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, निशाने पर है INDIA और तूफानी प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं। ममता पर उन्होंने बड़ा वार किया है, टीएमसी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला और ऐसे में ममता का भी पलटवार यहां पर हुआ। और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से बिहार और बंगाल में पीएम मोदी दौरा कर चुके हैं। पहले उन्होंने INDIA गठबंधन पर निशाना साधा और फिर ममता बनर्जी पर वार किया, कहा कि वो जनता के पैसों को लूटने नहीं देंगे। टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है। कांग्रेस के लिए कश्मीर कुछ नहीं, और उनका तो यही रहा है, कच्छ थीवी भी उनके लिए कुछ नहीं, कश्मीर भी उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के लिए कश्मीर मां भारती का मस्तक सवार है कि नहीं है? कश्मीर हमारा मस्तक है कि नहीं है? कश्मीर भारत का गौरव है कि नहीं है? संदेश खाली में क्या हुआ ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिना नाम लिए कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। मोदी ने चुनावी जनसभा में पूछा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा से इनकी क्या दुश्मनी थी। पीएम ने कहा कि इनके मन में जहर भरा है, तभी जो प्राण प्रतिष्ठा में जो गया उसे निकाल बाहर किया गया। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया? क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया।
और चलिए आपको बता दें कि अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम गए थे और उनके इस रुख से कांग्रेस पार्टी इतना नाराज हुई कि उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया और वो कांग्रेस से अलग हो गए। प्रमोद कृष्णम ने यूपी के संभल में कल्कि धाम का शिलान्यास खुद पीएम मोदी के हाथों से कराया। कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयान का आरोप लगाया था और ऐसे में इसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंच से किया। इससे पहले आपको बता दें, नवादा की रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी से विपक्ष घबराया हुआ है। मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी, आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे कर रहे हैं हमारे सहयोगी, बिहार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पटना से हमारे सहयोगी हैं प्रशांत झा हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल से सौमित सेन हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार धुआंधार प्रचार हम देख रहे हैं। सबसे पहले वो बिहार के नवादा पहुंचे और वहां पर मंच से उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साफ उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया जा रहा है, यहां तक कि प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए सुप्रीत, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑफेंसिव थे, लगातार वो हमले करते रहे और लगातार इंडी गठबंधन उनके निशाने पर रहा। जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के आज बातें रखी, जो नवादा में जितने भीड़ आई थी उस भीड़ के सामने में, जो लाखों की भीड़ थी उसके सामने में, उसका सीधा मतलब ये है कि बिहार राम मंदिर को लेकर के पहले से जागृत रहा है। और आपको याद करा दें कि जब बाबरी का जो विवादास्पद मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था, उसमें बिहार में ही वो सबसे बड़ा आंदोलन का रूप देने वाले लोग थे वहाँ पर, जिन्होंने पहले ईंट भी वहीं रखी थी। तो बिहार के लोगों को ये प्रधानमंत्री ने बताया है कि सनातन धर्म पर कैसे चोट किया जा रहा है और कैसे राम मंदिर के पुनर्स्थापना के समय जाने वाले लोगों को पार्टी तक से निकाल दिया गया। लालू यादव ने जो विरोध किया था उसकी भी चर्चा उन्होंने नाम लिए बगैर कर दिया। और आपको बता दें कि उनके निशाने पर लगातार लालू यादव भी रहे, इंडी गठबंधन के बड़े नेता भी रहे और लोगों को प्रधानमंत्री यह बताने में कामयाब रहे कि किस तरह से इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो सनातन धर्म विरोधी हैं, किस तरह से वो लगातार बिहार में और खास करके पूरे देश में जिस तरह से उनकी गारंटी और 370 के लेकर के तमाम जो मामले थे उसमें कैसे आम लोगों का वो जो उपेक्षा की जा रही है इंडी गठबंधन के द्वारा। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने आज ऑफेंसिव अपने बयान से एक बात और कह दिया है कि अब बचाव इंडी गठबंधन को करना है। अब प्रधानमंत्री लगातार अब हमले करते रहेंगे और हमले का जवाब इंडी गठबंधन को देना पड़ेगा और इसका फायदा बिहार में जरूर देखने को मिल सकता है। सुप्रीम, बिल्कुल प्रशांत, तो कुल मिलाकर ऑफेंसिव मोड में नजर आए बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे और ऐसे में देखना यह है कि ये इन हमलों का जवाब इंडी गठबंधन की तरफ से क्या आता है। एक बार बंगाल का रुख कर लेते हैं, सौमित सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलपाईगुड़ी में किस तरह से उन्होंने टीएमसी पर वार किया, ये साफ कहा कि टीएमसी भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहती है, एनआईए पर जिस तरह से हमला किया हुआ था इस मुद्दे का भी जिक्र उन्होंने किया।
देखिए, 72 घंटे में ये प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है और उत्तरी बंगाल में जो जलपाईगुड़ी सीट पे भी पिछली बार बीजेपी को ही जीत हासिल हुई थी। इस बार भी जब आज प्रधानमंत्री पहुंचे तो प्रधानमंत्री काफी फोकस थे। एक तरफ कल जिस प्रकार से एनआईए के ऊपर अटैक हुआ, उस पर जहां पे प्रधानमंत्री उस विषय पे प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री संदेश खाली के इशू को भी सामने लाया। और सबसे बड़ा जो प्रधानमंत्री पिछले कई अपने जो दौरे थे उसके लगातार पॉलिटिकल दौरे में लगातार प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का आरोप को सामने ला रहे थे। और आज जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पिछले कुछ महीनों से लगातार ये एक आंदोलन छिड़ चुका है कि 100 दिन का जो रोजगार गारंटी का जो पैसा है वो रोक के रखा गया है। बिल्कुल साफ तौर पर सौमित, यहाँ पर एक तेज तर्रार यहाँ पर जो रुख यहाँ पर प्रधानमंत्री का नजर आया है। लगातार उनका ये दौरा चल रहा है, चुनाव प्रचार में वो लगे हुए और अपने पार्टी के पक्ष माहौल बनाने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। Zee News.